बिग फैक्ट वीडियो के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। डीमार्ट जिसकी शुरुआत 2002 में हुई थी और कुछ सालों बाद 2014 और 2015 में, सिर्फ इन दो सालों में डीमार्ट ने 211 करोड़ रुपए कमाकर अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को पीछे कर दिया था। इतने कम समय में इतनी बड़ी सक्सेस का राज है डीमार्ट के चीप रेट्स। अरे यहाँ पे 19 वाले बॉटल भी है, मतलब 20 रुपीस में, अनबिलीवेबल। एक कोलगेट का टूथपेस्ट का पैक आता है जो कि 200 ग्राम का होता है, उसमें 100 ग्राम फ्री मिलता है। इसका मार्केट रीसेल प्राइस है 176 रुपीस। आपको बिग बाजार पर ये टूथपेस्ट 158 रुपीस में मिल जाएगा और ग्रोफर्स पर 157 रुपीस में। लेकिन डीमार्ट पर तो कहानी कुछ और ही हो जाती है। यही टूथपेस्ट आपको मिल जाएगा 136 रुपीस में। और सिर्फ ये टूथपेस्ट नहीं, बल्कि इसकी तो पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आखिर डीमार्ट इतना सस्ता सामान कैसे बेच पाता है? नहीं, अगर आप खुद ही सोचो, जितने में आप उस चीज को खरीदोगे, अगर उससे भी कम प्राइस में आप बेचने लगोगे तो आपको क्या फायदा होगा? उल्टा आपका घाटा ही होगा। लेकिन डीमार्ट के पास ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिसकी वजह से वह प्राइस को चीप बना पाता है और अपने प्रॉफिट को डबल। तो आइए जानते हैं उन स्ट्रेटजीज के बारे में। डीमार्ट की स्ट्रेटजीज को जानने से पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, ताकि हम उसकी स्ट्रेटजीज को अच्छे से समझ पाएं। डीमार्ट के इन्वेस्टर, ट्रेडर और एंटरप्रेन्योर राधा कृष्ण दामानी जी हैं, जिन्होंने डीमार्ट की शुरुआत 2002 में महाराष्ट्र में दो स्टोर्स खोलकर की थी और ये आज के समय में 11 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में फैल चुके हैं। और इन सबको मिलाकर पूरे इंडिया में 220 डीमार्ट स्टोर्स हैं और 225 डीमार्ट रेडी स्टोर्स। मतलब इतने कम टाइम में ओनली 445 स्टोर्स की मदद से 211 करोड़ कमाने तक से 2 ट्रिलियन की कंपनी बनाने का सफर इतना आसान नहीं था। ये बात हिला देने वाली है। और इन सब के पीछे तीन ही रीजन है, वो तीन स्ट्रेटजीज जिनका इस्तेमाल करते हैं राधा कृष्ण दामानी जी। नंबर 3, ऐसे स्टोर्स बनाओ जिन्हें कम पैसों में चलाया जा सके। आप लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी, कोई एक्सपेंसिव चीज या फिर बहुत बड़ी चीज डीमार्ट के स्टोर में नहीं बेची जाती। अब इन चीजों के तीन फायदे हैं। अगर बड़ी चीज नहीं होगी तो उनके लिए एक्स्ट्रा रूम्स, एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हमें एक्स्ट्रा स्पेस और रूम की जरूरत नहीं पड़ेगी तो पैसे बचेंगे। अगर एक्सपेंसिव चीजें ज्यादा हमारे स्टोर्स में नहीं होंगी तो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी ताकि उनका केयर किया जाए, तो उसके भी पैसे बचेंगे। नंबर 3, डीमार्ट में आपको वही चीजें मिलेंगी जो कि अगर नहीं भी बिकी तो उनका नुकसान नहीं होगा और इन सभी चीजों से पैसे बचते हैं। नंबर 2, उन चीजों पर पैसा जरूर खर्च करो जिनकी तुम्हें जरूरत है और उन पर तुम बार बार पैसा खर्च करते हो, जैसा कि दामानी जी ने किया। 90% स्टोर्स जो कि डीमार्ट के हैं वो सारे डीमार्ट ओन करता है और 10% जो बचे हुए हैं उनको 30 साल के लिए लीज पर रखा गया है, जिसके लिए डीमार्ट 23 बिलियन रुपीस को खर्च भी कर चुका है। और ये पैसे डीमार्ट ने ऐसे ही वैसे खर्च नहीं किए, बल्कि वो इन स्टोर्स को ऐसी जगह पर खोलेगा जहाँ पर ऑडियंस टारगेट ज्यादा हो। और दूसरी चीज, अगर उनके पास ज्यादा से ज्यादा स्पेस होगा तो वो एक ही स्टोर को 5 किलोमीटर के रेडियस में फिर से खोल देंगे, जिसकी वजह से एक स्टोर में ज्यादा भीड़ नहीं होगी। और अगर ज्यादा भीड़ नहीं होगी तो लोग ज्यादा टाइम भी उस स्टोर पर स्पेंड करेंगे और ज्यादा भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज भी नहीं लगेंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, पैसे बचे। पैसा सोच समझ कर खर्च करो। देखिए, रिटेल मार्केट उधार पर चलता है, जिसकी वजह से डीमार्ट खुद भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर से उधार लेता है, लेकिन इसमें भी उसका एक प्रॉफिट होता है, जिसके पीछे दो रीजंस हैं। नंबर 1,
डीमार्ट अपने क्रेडिट पेमेंट्स को लगभग 10 से 15 दिन में कर देता है, वहीं दूसरी रिटेल कंपनियों को महीने लग जाते हैं। यानी अगर वो अपना काम फटाफट से खत्म कर देगा तो देने वाला भी सोचेगा कि इसको देंगे तो पैसे जल्दी मिलेंगे। नंबर टू, दूसरी जो रिटेल कंपनियां होती हैं वो 2-3 महीने के सामान को एक साथ मंगा लेती हैं, वहीं डीमार्ट सामान को हर महीने मंगाता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स को हर महीने एक बड़ा ऑर्डर मिलता है और डीमार्ट को एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलता है। कैसे? देखिए, इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। अगर आप किसी दुकान पर जाओ जहाँ पर मोमोज बिकते हो, वहाँ आप रोज मोमोज खाते हो, लेकिन एक दिन आप उसे कम पैसे दो तो ऑब्वियसली बात है वो कम पैसे लेने के लिए मान जाएगा। कुछ ऐसा ही डीमार्ट के साथ भी होता है। वो हर महीने अपना सामान मंगाता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स और सप्लायर्स उसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने के लिए मान जाते हैं। यानी इन तीनों स्ट्रेटेजी से पैसे बचे और इन सभी बचे हुए पैसों को वो वापस अपने कस्टमर को दे देते हैं एज अ फॉर्म ऑफ चीप प्रोडक्ट्स। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर एक इंसान का एक गुरु होता है, वैसे ही दमानी जी के भी एक गुरु थे। और वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन से राधा कृष्ण दवानी जी ने बहुत कुछ सीखा है। इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों, जिंदगी में हरदम सीखते रहना चाहिए। तभी तो मैं आपसे कहता हूँ सब्सक्राइब करो, ताकि आपको पता चल सके कि सब्सक्राइब करने के क्या फायदे हैं, सब्सक्राइब कैसे किया जाता है। ओके, थोड़ा ज्यादा हो गया। We'll be right back.